नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो दोस्तों, हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसका आज लेक्चर थर्ड है, ग्लोसरी, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ग्लोसरी। जो कंप्यूटर के अंदर टर्म्स हैं उनका हम डिटेल वाइज डिस्कशन करते हैं, वो जो डायरेक्ट जिन पे क्वेश्चंस आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, ये यूजफुल है। चले दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली टर्म है मेमोरी, पहली टर्म हमारी है मेमोरी। सेकंड है रैम, थर्ड है रोम, फोर्थ है फ्रीवेयर, फिफ्थ है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज। सबसे पहले मेमोरी। तो दोस्तों, सबको पता है कि कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, तो हम जब भी मेमोरी की बात करते हैं, डायरेक्ट हम वर्ड जब भी यूज करेंगे मेमोरी, तो मेमोरी से आपको याद रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो मेमोरी में देखिए क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज? प्राइमरी स्टोरेज, जो कि दैट वर्क्स विद द सीपीयू। जो किसके साथ कार्य करती है? आपके सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मत दिमाग, जहां से हर चीज होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज दैट वर्क्स विद द सीपीयू टू होल्ड इंस्ट्रक्शन। किनको होल्ड करती है, किनको स्टोर करती है? इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, निर्देश, ठीक है, निर्देश एंड डाटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड, जो कि ऑर्डर में होते हैं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है कि इसके बाद में आपको ये कार्य करना है, पहले आप यहां जाइए, उस वहां आपको एक चेयर मिलेगी, उस चेयर पे आपको बैठना है, उसके पश्चात आपको खड़े होकर वहां नेक्स्ट चेयर पे बैठना है, एक इंस्ट्रक्शन वाइज। वैसे ही कि मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज, जो कि वर्क करती है सीपीयू के साथ, जो होल्ड करती है, स्टोर करती है किसको? इंस्ट्रक्शन को और डाटा को, इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड, और ऑर्डर में करती है। ऐसे नहीं कि रेंडमली स्टोर कर लेगी, ऑर्डर वाइज, वन बाय वन, एक क्रम होगा, फिक्स होगा कि पहले इंस्ट्रक्शन ये चलेगी, उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन आएगी। तो मेमोरी से हुआ कि प्राइमरी स्टोरेज। उसके पश्चात हमारी रैम। कौन सी रैम? जिसको आप बोलते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? मेमोरी दैट द कंप्यूटर यूजर कैन एक्सेस, वो मेमोरी जो कंप्यूटर का जो यूजर है जो एक्सेस करता है, जो भी यूजर जो कंप्यूटर को यूज करेगा, जो मेमोरी को जो वो एक्सेस कर पाता है, जिसमें कुछ कुछ भी कार्य कर सकता है, वो एक्सेस जिसको वो करेगा, जिसको वो यूज करेगा, वो आपकी रैम होती है। रैम में ही कार्य होता है, रैम में ही आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो पहले रैम में चलेगा, ठीक है। उसके बाद में रोम, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? मेमोरी डेट कंटेंट्स प्रोग्राम, इस मेमोरी में वो प्रोग्राम होते हैं और डाटा होता है, डाटा परमानेंटली, जो कि परमानेंट है, रिकॉर्डेड व्हेन द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर आपका बनता है उसी टाइम उसी समय उसमें स्टोर किए जाते हैं, तो वो कहाँ होंगे? रोम में होंगे, रीड ओनली मेमोरी, उनके अंदर वो प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उनमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपकी प्रोसेस होती है बूटस्ट्रैप, तो वो कैसे होगी? रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा है उसके बेस पे वो होती है। तो आप कह सकते हो कि रैम को यूजर एक्सेस कर सकता है, रोम, लेकिन रैम में कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन रोम में आप नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर वो प्रोग्राम और डाटा होता है जो परमानेंटली रिकॉर्डेड होता है, जब कंप्यूटर बनता है उसी समय कर दिए जाते हैं। अब जिस समय
जिस समय कंप्यूटर आपका बन रहा है उसी टाइम जो मेमोरी में आपका डाटा या सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसे ही एक टर्म उनके लिए अलग से आती है, उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड टू बी इन पब्लिक डोमेन, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपके पब्लिक डोमेन के अंदर आते हैं, मतलब जो आप यूजर उनको हर यूजर यूज कर सकता है, ऐसे समझिए। एंड मे बी यूज्ड और एडिटेड विदाउट फी और रिस्ट्रिक्शन, उनको आप यूज भी कर सकते हो, उनमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जब कंप्यूटर बनता है उसी टाइम उनमें इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इनमें चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज भी कर सकते हो, इनको फ्री आप यूज भी कर सकते हो। अगर इनका कुछ चार्जेस होगा तो ऐसे मिनिमल चार्जेस होते हैं, जो बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में आपको फ्री में मिलते हैं यूज करने के लिए, वो कौन से? फ्री में आप कहते हैं सेकेंडरी बोलिए या ऑक्सिलरी स्टोरेज बोलिए, सेकेंडरी बोल दीजिए या ऑक्सिलरी स्टोरेज बोल दीजिए, ठीक है। अभी तक आपने जो मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रोम, ठीक है ना, ये सब कंप्यूटर से अटैच है। क्या है? अटैच है। इनको एक कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है ना। अब इधर देखिए क्या है, सेकेंडरी बोलिए या ऑक्सिलरी, ए मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, एक ज्यादा परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। मतलब आप परमानेंट कोई डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मेमोरी में रख सकते हैं। That does not depend, जो किन पे डिपेंड नहीं करती, on a constant flow of electricity। मतलब ऐसे नहीं है कि लाइट गई डाटा गया, नहीं। ये क्या होती है? आपकी कंप्यूटर से अटैच नहीं होती मेमोरी, जैसे आपकी सीडी है, पेन ड्राइव है, ये क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनको आप कंप्यूटर में अटैच करते हैं तब इनमें आप अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इनमें आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो डाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पेन ड्राइव में जब डाटा स्टोर करते हैं तो क्या उसको हमेशा चार्जिंग पे रखते हैं क्या? नहीं, हम उसको अलग रख देते हैं। हमारी जो सीडी में हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, सीडी को रखते हैं हम अलग से, ठीक है। उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बाद में? नहीं, उसको जब यूज करना होता है हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको रखना चाहे रख सकते हैं। डाटा को जितना समय तक हम रखना चाहे उतने समय तक हम रख सकते हैं। तो क्या हुआ? ए मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, हमने आज मेमोरी की अलग अलग टर्म्स को डिस्कस किया। सबसे पहले बात की मेमोरी की। मेमोरी की जब भी बात करो तो दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करो तो समझ में आने चाहिए कि ये सीपीयू से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। किससे है? डायरेक्ट सीपीयू से है, जो इंस्ट्रक्शन और डाटा को होल्ड किए हुए है, मतलब स्टोर करती है प्रोसेस वाइज और एक सीरीज वाइज। उसके बाद में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी डैट द कंप्यूटर यूजर, जो कंप्यूटर का यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो मेमोरी को, जो एक यूजर जब जिस मेमोरी को यूज करता है, एक्सेस करता है, वो मेमोरी रैम होती है। रोम की बात करते हो तो आप ऐसे समझिए दिमाग में कि एक परमानेंट मेमोरी है। क्या है? परमानेंट मेमोरी है। जब आपका कंप्यूटर बनता है उसी समय इस में कुछ सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, वो परमानेंटली रहते हैं आपके। उसके बाद में फ्रीवेयर, फ्रीवेयर से समझिए कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री में यूज करने के लिए मिलते हैं, वो आप उनमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हो वो फ्रीवेयर हो गए हैं। उसके बाद में सेकेंडरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज, सेकेंडरी ऑक्सिलरी स्टोरेज करती है, ये भी एक परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। परमानेंट पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब इसको यूज करोगे आप, लेकिन परमानेंट नहीं चाहिए। जैसे आपकी सीडी है, पेन ड्राइव है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इनको अंदर अपना डाटा आप स्टोर करके अलग से रख सकते हो, इनमें चेंज भी कर सकते हो जब आप चाहो। इनको आप कंप्यूटर में अटैच कीजिए और अलग रखिए। मतलब आप कह सकते हो सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो परमानेंट डिवाइसेस नहीं होती एक कंप्यूटर की। तो दोस्तों, ये हमने 5 आज टर्म यूज पढ़ी है मेमोरी से रिलेटेड। आपको किसी में भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उसके बारे में दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। और साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।